नमस्कार दोस्तों, आज से हम इंजीनियर रैंक का टॉपिक शुरू करेंगे। इंजीनियर रैंक से रिलेटेड सभी टॉपिक आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंजीनियर रैंक की प्ले लिस्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें कि आपको इंजीनियर रैंक से रिलेटेड सभी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे कि इंजीनियर रैंक क्या होती है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि हिंदी भाषा या और भाषाएं हैं, वैसे ही इंजीनियर ड्राइंग एक भाषा है। भाषा वो माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो इंजीनियर ड्राइंग से भी हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। इंजीनियर ड्राइंग जो है वो इंजीनियरों की भाषा है, यानी अभियंताओं की भाषा है। इंजीनियर को इंग्लिश में अभियंता कहते हैं। अब इंजीनियर ड्राइंग भाषा तो है, परंतु इसका जो प्रयोग है वो हर जगह नहीं होता। अगर हम घर पर इसका प्रयोग करने लग जाएँ तथा सबको कागज़ पर ड्राइंग बना के देने लग जाएँ, कोई घर में सवाल पूछे तो उसे ड्राइंग बना के थमा दे तो वह सोचेंगे कि ये पगला गया है। तो इसलिए इस भाषा का प्रयोग हर जगह नहीं करते, तो इसलिए इसे इंजीनियरिंग की भाषा कहते हैं। इसका जो प्रयोग है वो इंजीनियरिंग लाइन में होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है। आप जानेंगे कि इसका जो प्रयोग है वो इंजीनियरिंग लाइन में तो होता है, परंतु क्यों किया जाता है। क्या हम ऐसे बोल के इंजीनियरिंग लाइन में कोई पार्ट्स नहीं बनवा सकते, तो ये जानेंगे। जैसे हमने दरवाज़ा या खिड़की बनवानी होती है तो हम दरवाजे वाले को बोल देते हैं कि इस दरवाजे का डिज़ाइन व साइज यह होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि वह एक कागज़ या शीट पर उस दरवाजे का डिज़ाइन व साइज बना लेता है ताकि वह दरवाज़ा ठीक से बन सके। अगर वह देख के बिना किसी ड्राइंग से अंदाजे से दरवाजा बनाएगा तो वह सही नहीं बनेगा और उसका आकार भी सही नहीं होगा। उसी तरह इंडस्ट्री या वर्कशॉप या इंजीनियरिंग लाइन में कोई पार्ट्स बनवाना है तो उसकी हम ड्राइंग बनवा लेते हैं ताकि वह सही साइज व सही आकार से बन सके। जैसे हिंदी भाषा में व्याकरण होते हैं, वैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन व्याकरण का काम करती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है उसे हम यूनिवर्सल लैंग्वेज भी कहते हैं, यानी पूरे विश्व में इसको समझा जा सकता है। जैसे हम किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ पर ना तो हमारी लैंग्वेज बोली जाती है और ना ही समझी जाती है, और हमने वहाँ पर कोई पार्ट्स बनवाना है तो हम कैसे बनवाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग करते हैं और अपने पार्ट्स को बनवा लेते हैं बिना किसी परेशानी के। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग ज़्यादातर हम औद्योगिक क्षेत्र में देखते हैं। वहाँ पर वर्कर को ड्राइंग दी जाती है जिसमें उसका आकार व साइज लिखा होता है। चाहे वर्कर को इंजीनियरिंग की लैंग्वेज नहीं समझ आती हो, परंतु वो ड्राइंग से सब कुछ समझ आता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल लैंग्वेज भी कहते हैं। इसे हर जगह समझा जा सकता है तथा इसे रेखांकित भाषा भी कहते हैं। यह भी आप जरूर ध्यान रखें। अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के बहुत प्रकार होते हैं। पहला है लिखित, हम लिखकर अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा है मौखिक, हम ऐसे बोलकर मौखिक रूप से अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। तीसरा है साइन व सिंबल, हम कुछ चिन्हों और संकेतों का प्रयोग करके अपनी बात को भी दूसरे व्यक्ति तक पहुँचा सकते हैं। चौथा है डायग्राम या चित्र द्वारा, तो इंजीनियरिंग जो है वह अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं उसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं, और वह डायग्राम और चित्र द्वारा दर्शाई जाती है। अब जानेंगे ड्राइंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज का जो युग है वह मशीनी युग है तथा इस युग में इंजीनियरिंग ड्राइंग का बड़ा महत्व है। पूरे संसार में हर एक वस्तु से संबंधित विचार उसके आकृति या डिज़ाइन को कागज़ पर लाइनों के रूप में बताने का एक माध्यम होता है। अब जानेंगे कि ड्राइंग कितने प्रकार की होती है। तो ड्राइंग दो प्रकार की होती है, पहली कलात्मक ड्राइंग जिसे कि आर्टिस्ट ड्राइंग कहते हैं, और दूसरी इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो पहले बात करेंगे आर्टिस्ट ड्राइंग के बारे में। तो किसी वस्तु को अगर हम शेड करते हैं या उसे रंगों द्वारा दर्शाते हैं तो उसे हम आर्टिस्ट ड्राइंग कहते हैं। जैसे कि पेंटर किसी वस्तु को शेड करता है या उसे रंग करता है तो वह आर्टिस्ट ड्राइंग में आती है। अब जानेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। तो मशीनों के पुर्जे तथा बिजली के पुर्जों व विभिन्न पुर्जों को रेखाओं द्वारा पेपर पर बनाने की कला को इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। इस कला से वस्तु की ड्राइंग को सही व शुद्ध कार द्वारा पेपर पर बनाया जाता है। इस ड्राइंग को पढ़ा लिखा आदमी ही पढ़ सकता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने में विभिन्न औजारों व उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं ड्राइंग से आगे कारीगर मशीनों का उत्पादन करते हैं या मशीनों से उत्पादन करवाते हैं। अब बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग को आगे निम्न भागों में बांटा जाता है। पहली ज्योमेट्रिक ड्राइंग और दूसरी सिविल ड्राइंग, तीसरी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग और चौथी मैकेनिकल ड्राइंग। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्राइंग के उपकरण व अन्य पदार्थों के बारे में जानेंगे।
तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।